इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे दतिया रियासत की कहानी। दतिया बुंदेलखंड के सबसे महत्वपूर्ण रियासतों में से एक थी। दतिया का इतिहास समझने के लिए हमें प्राचीन बुंदेलखंड का इतिहास समझना बहुत ही जरूरी है। अब प्राचीन काल में ये जो पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो छेदी महाजनपद के अंडर आता था। हमें जो हिंदू एपिक है महाभारत उसमें ये भी रेफरेंस मिलता है कि इस क्षेत्र पर राजा शिशुपाल जो भगवान श्री कृष्ण के कज़न थे उनका राज था। हिस्टोरिकली स्पीकिंग हमें एविडेंस मिलता है कि जो मगध के जो नंद राजा थे उनका यहाँ पर राज था। आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य और जो मौर्यन साम्राज्य का जब जो राज हुआ तो दतिया और बुंदेलखंड इस क्षेत्र में वहाँ पर उनका राज हुआ। मौर्य काल में ये जो पूरा क्षेत्र है दतिया और बुंदेलखंड इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ये था कि जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला जो व्यापारी मार्ग था जिसे दक्षिणा पथ कहा जाता है वो इसी एरिया से गुजरता था और इसी के कारण यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु या इवन जैन मुनि यहाँ से गुजरा करते थे, व्यापारी गुजरा करते थे। हमें दतिया के पास में ही एक गुर्जरा करके एरिया है जहाँ पर अशोका वन एक अशोकन ईडिक्ट पाया जाता है। दतिया के पास ही सोनागिरी है जो सोने का पहाड़ जो जैन धर्मियों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तीर्थ क्षेत्र है और इसके पास में ही देवगढ़ का मंदिर है जो गुप्ता ईरा का मंदिर है वो। बट यहाँ पे आसपास कई उस समय में भी जो हिंदू धर्म के जो लोग थे वो भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर रहते थे। तो जो प्राचीन काल है उसमें एक इम्पॉर्टेंट और एक समृद्ध ये पूरा इलाका था। मौर्य काल के बाद बाकी कई राजा हुए। फॉर एग्जांपल हमें ये रेफरेंस मिलता है कि ग्वालियर के पास एक जगह है पवैया। तो ये जो पवैया थी वो इस पीरियड में अर्ली मेडिवल पीरियड में पद्मावती नगरी थी और हमें जो टेक्स्ट मिलते हैं उसमें ये भी कहा गया है कि जो पद्मावती नगरी है जो आज का पवैया वो एक ग्रेट सेंटर ऑफ कल्चर और लर्निंग थी और पूरे उत्तर हिंदुस्तान से लोग पवैया गांव में मतलब पद्मावती नगरी में पढ़ने आते थे और यहाँ पर नागा राजाओं का राज था। फिर आगे चल के हमें ये रेफरेंस मिलता है कि इस पूरे बुंदेलखंड पर चंडेला राजाओं का या चंडेल राजाओं का राज था जिनकी राजधानी थी खजुराहो। तो जब यहाँ पे चंडेला राजाओं का राज था तो इस पूरे क्षेत्र को जेजक भुक्ति कहा जाता था और बुंदेलखंड ये नाम नहीं पड़ा था, वो आगे चल के पड़ा। और यहाँ पे चंडेला राजाओं ने कई मंदिर बनवाए, विस्तार किया अपने राज्य का और एक खजुराहो से वो राज करते रहे। फिर बाद में जब दिल्ली में ये जब हम 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं जब दिल्ली में दिल्ली के जो सुल्तान हुए पृथ्वीराज चौहान के डिफीट के बाद तब जो सुल्तान इल्तुतमिश थे रज़िया सुल्तान के पिता उन्होंने एक बड़ी फौज लेकर जो चंडेलों पर हमला किया। काफ़ी एरियाज उनके लॉस हो गए, उनके जो चले गए अपने हाथ से और धीरे धीरे ये जो पूरा बुंदेलखंड का इलाका है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये दिल्ली सल्तनत के अंडर आ गया। फिर जैसे ही चंडेलों का राज ख़त्म हुआ तो यहाँ एक नई पावर आई, वो थी खंगार। तो जो खंगार डायनेस्टी थी उनका जो किला था गरकुंडार वहाँ से वो राज करते थे। पर ये जो खंगारों का राज था, यहाँ के फेमस राजा थे खेत सिंह खंगार, ये ज़्यादा दिन तक उनका राज नहीं चला और 1531 में सोहनपाल बुंदेला ने खंगारों को हराकर अपना राज यहाँ पर स्थापित किया और फिर यहाँ से जो बुंदेला डिनेस्टी की जो शुरुआत हुई उसी से इस पूरे क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा। अब बुंदेलों की पहली राजधानी थी गरकुंडार और फिर आगे चल के फिर उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की ओरछा में।
अब ये बात है 1539 की, जब राजा रुद्र प्रताप ने अपनी राजधानी ओरछा में स्थापित की। तो राजा रुद्र प्रताप जो थे उनके 12 बेटे थे, और इन्हीं 12 बेटों को अलग अलग फिर आगे चल के जो अभी के जितने भी बुंदेलखंड स्टेट्स थे वो इन्हीं 12 बेटों के वंशज उन पर राज करते रहे। अब अगर आप दतिया स्पेसिफिकली देखें तो ये जो दतिया जो था वो एक छोटा सा गांव था। ये हम 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, अभी मुगल आ गए हैं और उनका अभी इस पूरे एरिया पर कब्जा हो गया है। तो उस टाइम पे जो ओरछा का जो राज परिवार था वहाँ के एक प्रिंस थे राजा बीर सिंह जुदेव, और राजा बीर सिंह जुदेव जो थे वो बादशाह अकबर के बेटे सलीम के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब क्या हुआ था कि जो सलीम है आगे चल के जो बादशाह जहांगीर बने, उनकी और उनके पिता बादशाह अकबर की बिल्कुल बनती नहीं थी। आई मीन इनफैक्ट हम ये जानते हैं बिकॉज हम सब ने मुगल आज़म देखी है एंड ऑल, बट अनारकली की वजह से नहीं, बट कई दूसरे कारणों की वजह से पिता और पुत्र की नहीं बनती थी। तो और जो जहांगीर है वो ये मानते थे कि जो अबुल फजल है जिन्होंने जो फेमस राइटर थे और अकबर के नवरत्नों में माना जाता है और अकबर के बहुत करीबी एक दोस्त भी थे, एडवाइज़र थे, वो उनके कान भर रहे थे, ऐसा सलीम को लगता था। तो उन्होंने और ये जो बीर सिंह बुंदेला है उन्होंने मिलके एक डिसाइड किया कि हम अबुल फजल को ख़त्म करेंगे। और जब अबुल फजल ग्वालियर से आगे अत्री करके एक जगह है वहाँ पर आए तो 1602 में बीर सिंह जुदेव ने उनकी हत्या कर दी और उनका सर काट के जहांगीर को प्रेजेंट किया, और फिर जहांगीर ने आगे चल के अकबर को प्रेजेंट किया एंड अकबर बहुत डिस्टर्ब हुए। उनका उनके बेटे के ऑर्डर्स पे ये हत्या हुई थी तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे और जहांगीर उनके इकलौते बेटे थे। फिर आगे चल के जो बादशाह अकबर है उनका निधन हो गया और जो जहांगीर है वो दिल्ली के तख्त पे बैठे। तो जब जो बादशाह जहांगीर दिल्ली के तख्त पर बैठे तो उन्होंने अपने जो दोस्त थे जिन्होंने उनकी मदद की थी राजा बीर सिंह जुदेव, वो उनको नहीं भूले और उन्हें जो ओरछा की गद्दी पर बिठाया गया उनके बड़े भाई को हटाकर, और ये पूरा जो क्षेत्र है वो राजा बीर सिंह जुदेव के कंट्रोल में आया। मान्यता है कि जब जहांगीर दतिया में आए थे और ओरछा में आए थे तो उनके रहने के लिए यहाँ पर जो राजा बीर सिंह जुदेव है उन्होंने एक खूबसूरत महल बनाया था जिसे जहांगीरी महल या राजा वीर सिंह पैलेस भी कहा जाता है, और ये भारत के सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। इनफैक्ट जो सर एडवर्ड लटन्स हैं जिन्होंने नई दिल्ली की स्थापना की, जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि ये जो दतिया का जो वीर सिंह महल है ये भारत की सबसे खूबसूरत जो बिल्डिंग है उनके हिसाब से। तो और क्या हुआ कि जो मुगलों के साथ दोस्ती के कारण जो बुंदेला थे, यहाँ के जो बुंदेला शासक थे, उनका एक ताकत बढ़ी, उनकी संपत्ति बढ़ी और एक बहुत ही बड़े ओहदे पर जो बुंदेला है राज परिवार है वो पहुँच गया। राजा बीर सिंह जुदेव जो है उनके छोटे बेटे थे भगवान राव या भगवान सिंह, जिन्हें उन्होंने जो मुगल बादशाह है उनके सर्विस में रखा था, और ये जो भगवान राव है उन्होंने मुगल फौज में बहुत अच्छी कामगिरी की, मुगल दरबार में उन्होंने सेवा की। और जब वो ओरछा वापस आए तो उन्हें पता चला कि जो उनके जो पिता है वीर सिंह जुदेव, उन्होंने अपने उनके बड़े भाई जुझार सिंह के हाथ में राज का कारोबार सौंपा है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और फिर से झगड़े होने लगे पिता और पुत्र के बीच में। तो फाइनली 1628 में ये जो दतिया का जो एरिया है वो भगवान राव या भगवान सिंह के को दे दिया गया, और फिर उन्हीं के जो वंशज है वो जो ब्रांच जो बुंदेला परिवार की चली, उस वही आगे चल के दतिया रियासत बनी।
तो 1628 में हम कह सकते हैं कि दतिया रियासत की ऑफिशियल शुरुआत हुई। अब ये जो भगवान राव है उनके बाद गद्दी पर बैठे राव शुभकरण। अब राव शुभकरण जो है, तो जिस तरह से वीर सिंह जुदेव या राजा वीर सिंह बुंदेला, उनकी और बादशाह जहांगीर की एक घनी मित्रता थी, तो वैसे ही जो राव शुभकरण थे, उन्होंने वो जो दिल्ली के बादशाह औरंगजेब है, वो बहुत ही उनके करीबी थे। हम कह सकते हैं कि उनके इनर सर्कल में थे। और इनफैक्ट ये जो राव शुभकरण और बादशाह औरंगजेब का रिश्ता है, वो उन दिनों में था जब औरंगजेब जो थे वो गद्दी पर भी नहीं बैठे थे, जब वो एक सिर्फ जो शाहजहां थे उनके बेटे थे और दक्खन के सूबेदार थे। तो बिकॉज राव शुभकरण और औरंगजेब एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से पहचानते थे, तो औरंगजेब ने उन्हें स्पेशली डेप्यूटेशन पे बुलाया था कि आप मेरी टीम में काम करेंगे। इट वॉज़ ही वॉज अ कोर मेंबर ऑफ प्रिंस औरंगजेब्स टीम। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैंने रतलाम रियासत के वीडियो में बताया था कि जब औरंगजेब जो है वो अपने भाइयों के खिलाफ जंग कर रहे थे, स्पेशली दारा शिकोह के खिलाफ, और आगरा की तरफ जा रहे थे, तो एक जगह है धर्मट करके, वहाँ पर द बैटल ऑफ धर्मट हुआ था, जहाँ पर जो रतलाम की फौज है और जोधपुर की जो जसवंत सिंह की फौज है, उन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था। तो इंटरेस्टिंगली इसी लड़ाई में जो राव शुभकरण है और उनकी जो दतिया की फौज है, उन्होंने औरंगजेब का साथ दिया, और जिसमें जीत औरंगजेब की हुई। और अनफॉर्चुनेटली जो रतलाम के जो राजा थे वो उसमें मारे गए थे। आगे चल के बादशाह औरंगजेब गद्दी पर बैठे, और जैसे बादशाह जहांगीर के टाइम पे हुआ था, तो दतिया पर जो जो मुगलों की थी वो एक अच्छी मर्जी थी, उन्हें मनसब दिए गए, काफ़ी टाइटल्स दिए गए। और इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो राव शुभकरण थे वो इतने लॉयल थे मुगलों के साथ कि उन्होंने चंपत राय बुंदेला के साथ लड़ाई की। अब ये चंपत राय बुंदेला जो थे वो आगे चल के जो हम फेमस बुंदेला वॉरियर है मस्तानी के पिता राजा छत्रसाल, उनके पिता थे, और टेक्निकली हम कह सकते हैं कि मस्तानी के दादा थे, और उन्होंने भी मुगलों के खिलाफ बगावत की थी। तो औरंगजेब ने राव शुभकरण को कहा था कि आप फेलो बुंदेला है, आप उनको ख़त्म कीजिए क्योंकि वो मुगल अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी चंपत राय के साथ लड़ाइयाँ की थी। इंटरेस्टिंगली राव शुभकरण जो है, उन्होंने जो मुगल फौज में दक्खन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुगलों की सबसे फेमस लड़ाई में से एक थी, वो थी पुरंदर की लड़ाई, जिसमें जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह थे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी की फ़ौज को पुरंदर के किले में घेर लिया था, और छत्रपति शिवाजी को फिर ट्रीटी करनी पड़ी थी मुगलों के साथ, और एक मुगल मनसबदार बनना पड़ा था और आगरा जाना पड़ा था। तो इस पुरंदर की लड़ाई में भी जो मुगल फौज का राव शुभकरण ने बहुत महत्वपूर्ण साथ दिया। फिर आगे चल के जब बीजापुर पर औरंगजेब और मुगल फौज ने कब्जा किया, तो उसमें भी राव शुभकरण ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। राव शुभकरण की मुगल लॉयल्टी जो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हमें एक इंटरेस्टिंग किस्सा, ये लिखा हुआ है दतिया डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में, ये कहीं सुनी नहीं है, कि ये जो चंपत राय के जो बेटे थे छत्रसाल, वो मुगल फौज में पहले ज्वाइन हो गए थे और फिर भागकर छत्रपति शिवाजी के पास चले गए थे, और छत्रपति शिवाजी ने उन्हें कहा था कि आप देखिए, आप महाराष्ट्र में मत रहिए, आप अपना होमलैंड बुंदेलखंड में वापस जाइए और मुगलों का सामना कीजिए। तो दतिया डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में ये लिखा हुआ है कि जब छत्रसाल छत्रपति शिवाजी को मिलकर लौटे, और उन्होंने राव शुभकरण को अप्रोच किया और कहा कि देखिए, हम सब बुंदेले मिलकर मुगलों का सामना करेंगे और उनको बुंदेलखंड से खदेड़ देंगे। पर राव शुभकरण ने कहा कि नहीं,
नॉट इंटरेस्टेड, आप अभी मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, बट उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुगलों के सेवा में हैं और हम आपका साथ नहीं देंगे. और फिर छत्रसाल बुंदेला है, उनको अकेले ही मुगलों का सामना आगे चल के करना पड़ा. हमें इतिहास में ये समझना पड़ेगा कि हम उन रियासतों की बात कर रहे हैं जो 1947 तक सरवाइव कर गई. तो ये जो रियासतें थी, आप पटियाला देख लीजिए या फिर ट्रावणकोर देख लीजिए या कच्छ से लेकर त्रिपुरा तक देख लीजिए, जो भारत की जो सारी रियासतें थी 1947 तक जो सरवाइव कर दी, उन्होंने मुगलों का साथ दिया, उन्होंने ब्रिटिश लोगों का साथ दिया और इसीलिए वो सरवाइव कर पाई. आई मीन एक एक्सेप्शन था उदयपुर, बट ये जो सारी रियासतें थी उनका इतिहास बहुत सिमिलर है. तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ रियासतों को ही टारगेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्होंने मुगलों का और अंग्रेजों का साथ दिया. बट दिस इज द फैक्ट, दैट इज द ओनली रीजन वाई दे सर्वाइव्ड. जो राव शुभकर्ण थे, उसके बाद उनके बाद उनके बेटे राव दलपत गद्दी पर बैठे, उन्होंने भी मुगलों का साथ दिया और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा. आगे चल के 1720s के बाद, जैसे आप जानते हैं, मुगल साम्राज्य टूटने लगा, तो जो दतिया के जो रूलर्स थे वो सेमी इंडिपेंडेंट हो गए. पर अनफॉर्चुनेटली तब क्या था, जैसे बाकी रियासतों के साथ हुआ, कि मुगलों के जो हमले कम हो गए, अब मराठों के हमले शुरू हो गए. बिकॉज दिस वॉज द टाइम ऑफ बाजीराव, महाजी सिंधिया और ये सारे जो वॉरियर्स थे और जो देश भर में जाके अटैक्स कर रहे थे. अब मराठे जब बुंदेलखंड में आए, तब यहाँ पर उन्होंने काफ़ी लूटपाट मचाया, ये तो सच बात है. और यहाँ पर वो जबरन लगान और चौथ वसूलते थे. तो जो सारे जो बुंदेलखंड के जो राजास थे, ओरछा, दतिया, इनफैक्ट आगे चल के इवन पन्ना, तो ये सारे मराठों को अपोज करते थे. दतिया पर सबसे ज़्यादा जो हमले हुए वो ग्वालियर के सिंधियाज के हुए, क्योंकि अगर आप देखें दतिया स्टेट का नक्शा, तो उनकी बॉर्डर ऑलमोस्ट थ्री साइड से उनकी बॉर्डर ग्वालियर स्टेट से घिरी हुई थी और ग्वालियर भी दतिया से ज़्यादा दूर नहीं है. तो उसकी वजह से जो सिंधियाज हैं उनके काफ़ी हमले होते थे. इनफैक्ट 1801 में जो दौलतराव सिंधिया थे ग्वालियर के, उन्होंने दतिया पर एक बहुत बड़ा हमला किया था और उस लड़ाई में यहाँ के जो राव शत्रुजीत सिंह हैं वो मारे गए थे. तो इन मराठों के हमलों से तंग आकर 1804 में दतिया रियासत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी की, जिसके अंडर वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर आ गए और एक उन्हें एक ब्रिटिश प्रोटेक्शन मिला. और जैसे वो दतिया स्टेट जैसे मुगलों के बहुत करीबी था, तो आगे चल के हम देख सकते हैं कि वो अंग्रेजों के भी काफ़ी करीबी हुए. अब यहाँ से ब्रिटिश दौर शुरू हो गया. अब 1857 में जब पूरे बुंदेलखंड में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसका केंद्र था झांसी और जो बांधपुर के राजा मर्दन सिंह, जिनका ताल बेहट का किला है, तो पूरे बुंदेलखंड में एक डिस्टर्बेंस फैल गया. इनफैक्ट यहाँ तक कि ग्वालियर में भी एक उठाव हुआ यहाँ की जनता का. तब जो दतिया के जो राजा थे, इनफैक्ट दतिया के राजा जो थे वो माइनर थे, तो उनकी माँ और जो दीवान है वो राज करते थे. तो दतिया ने अंग्रेज़ों का बहुत साथ दिया. 1857 की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है, और जो ज़्यादातर किताबों में से निकाली गई है, और इस पर ज़्यादा कोई चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि हम शायद कंफर्टेबल नहीं है, कि जब 1857 में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी और झांसी और पूरे एरिया पर अपना कंट्रोल बनवाया था, तो सबसे ज़्यादा हमले झांसी की रानी पर एक साइड से दतिया और एक साइड से ओरछा ने ही किए. अब देखिए, झांसी जो था, इट वॉज इन द मिडल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. अब इन सारे बाकी रियासतों की मदद के बिना अंग्रेज़ झांसी तक नहीं पहुंच सकते थे. इनफैक्ट 12 अक्टूबर 1857 का अंग्रेज़ों का एक लेटर है, और जिसका रेफरेंस हमें दतिया ऑफिशियल दतिया डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जो मध्य प्रदेश सरकार ने पब्लिश किया है, उसमें भी मिलता है कि अंग्रेज़ों ने लंदन को एक लेटर लिखा कि आप झांसी के बारे में, कि एक साइड से दतिया से जो दतिया के राजा है वो झांसी पर हमला करेंगे और एक साइड से ओरछा की फौज हमला करेगी, और आप फिक्र मत कीजिए, झांसी की हम पावर को ख़त्म कर देंगे.
तो इनफैक्ट जब अंग्रेज झांसी पर हमला करने के लिए आए तो जो दतिया और ओरछा से उन्हें काफ़ी मदद पहुंचाई गई, रसद पहुंचाई गई, जो जब उन्होंने झांसी के किले पर घेरा बनवाया तो सप्लाई लाइंस जो थी वो दतिया से और ओरछा से ही आती थी। और बात ये है कि जब 1858 में अंग्रेज़ों ने झांसी पर कब्ज़ा किया था और रानी अपने फौज के साथ कालपी निकल गई थी, तब उस पूरे लड़ाई में और कियोस में उनके जो पिता है मोरोपंत, रानी के पिता मोरोपंत तांबे, उन्हें मार लगी थी और वो उस पार्टी से अलग हो गए थे। तो घायल थे तो कैसे अपनी जान बचाकर वो दतिया पहुंच गए और दतिया में वो रात भर रुके। पर सुबह किसी ने, जो दतिया के राजा है और जो दतिया की काउंसिल है, गवर्नमेंट है, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे ऐसे झांसी की रानी के पिता ने दतिया में शरण ली है, तो उन्हें पकड़कर जो दतिया की जो रियासत है उसने, जो मोरोपंत तांबे हैं, उनको अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। और फिर आगे चल के मोरोपंत तांबे को जो झांसी में जोखन बाग करके एक एरिया है वहाँ पर फांसी दे दी गई। तो आप दतिया का रोल 1857 में नकार नहीं सकते हैं। आगे चल के जो दतिया के राजा थे भवानी सिंह, उनके अंग्रेज़ों से अच्छे संबंध होने के कारण उन्होंने जो रेलवे लाइन है उसके लिए अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़मीन दी। यहाँ पर फैमिन रिलीफ में उन्होंने काफ़ी काम किया। तो राजा भवानी सिंह को अंग्रेज़ों ने महाराजा का टाइटल भी प्रदान किया और उन पर काफ़ी अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स न्यौछावर किए जो अंग्रेज शासक थे उन्होंने। 1907 में महाराजा गोविंद सिंह जी जो है वो दतिया की राजगद्दी पर बैठे और उनकी उम्र तब बहुत कम थी और फिर अ सीरीज ऑफ दीवान्स उनके बिहाफ पर रूल किया करते थे। महाराजा गोविंद सिंह के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी अकाल हुए, दतिया में काफ़ी लोग मरे। हमें ये भी रेफरेंस मिलता है कि लिटरली 1/7 ऑफ द पॉपुलेशन फैमिन्स और बाकी कारणों की वजह से दतिया छोड़कर बाकी ग्वालियर और झांसी और जो सराउंडिंग एरियाज है वहाँ पर चला गया था कुछ समय के लिए। फिर अंग्रेज़ों ने कंट्रोल लेकर अपना शासन यहाँ पर बिठाया। हमें ये भी रेफरेंस मिलता है कि जो फेमस क्रांतिकारी है चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने कुछ समय क्योंकि वहाँ के जो दीवान थे दतिया के वो उनके पहचान के थे तो वो दतिया में शरण लिया करते थे। बिकॉज कैसा था उस समय, अगर आप रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करते हो और बॉर्डर क्रॉस करके आप रियासत में, जैसे कि दतिया में, आप शरण लेते हो तो ब्रिटिश पुलिस आपके पीछे नहीं आ सकती थी। और क्योंकि वो जो दीवान थे दतिया के वो उनके पहचान के थे तो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए दतिया एक सेफ स्पेस था। अनफॉर्चुनेटली जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने जो दीवान थे जो सिंपथेटिक थे इंडियन फ्रीडम कॉज से, उनको हटाकर एक नए दीवान को बिठाया, जिन्हें दीवान ऐनुद्दीन जो थे वो उन्हें बिठाया, जो एक ब्रिटिश प्रो ब्रिटिश दीवान थे। और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आना बंद हुआ। ये जो दीवान ऐनुद्दीन थे तो उनके राज के खिलाफ दतिया में बहुत आंदोलन चले। ये अब आगे की बात कर रहे हैं, ये हम 1944 से लेके 1946 की बात कर रहे हैं। और 1946 में ये यहाँ पे एक बहुत फेमस जिसे ऐनुद्दीन जन आंदोलन कहा जाता है कि दीवान, दतिया के दीवान के खिलाफ यहाँ पे इतना एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ और आंदोलन हुआ कि इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू को खुद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुद दतिया जाऊंगा और फिर वहाँ पे आके स्थिति संभालूंगा। बिकॉज एक ऑलमोस्ट एक सेमी रेवोल्यूशन यहाँ पर दतिया में हुआ था। फॉर्चुनेटली जो दीवान ऐनुद्दीन थे उन्होंने रिज़ाइन किया और ये जो एजिटेशन था वो थम गया। 1947 में जो महाराजा गोविंद सिंह जो देव है उन्होंने अपनी दतिया रियासत भारत सरकार को सौंप दी और फिर आगे चल के जो दतिया जो है वो मध्य भारत यूनियन और फिर आगे चल के मध्य प्रदेश का हिस्सा हुई। आज लोग दतिया आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जो प्रिंसली मॉन्यूमेंट्स है
उन्हें वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, जनरली वो दतिया आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पीताम्बरा माँ का एक मंदिर है जिसे शक्तिपीठ लोग मानते हैं, तो उसके दर्शन के लिए आते हैं। बट यू नो यही एक होप है कि दतिया रियासत का इतिहास जानने के बाद जब आप दतिया आए तो बीर सिंह जुदेव पैलेस भी जाएं, यहाँ के जो छत्रियाँ हैं और यहाँ की जो खूबसूरत शाही मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें भी देखें। तो ये थी कहानी दतिया रियासत की।